let you know what it feels to be away from our parents, how our world transforms in their absence and in their presence. Remain with us, for love itself lives on, and cherished memories never fade, cause loved ones are never gone. Those we love can never be more than a thought apart, for as long as there is memory, they live on in the heart. Yes, I'm talking about our sweet parents. Humme se bahut se bachche, in fact most of us, PGs mein rehte hain. Aur PG ki life kaisi hoti hai, ye to hum sab jante hain. Lekin yaad hai, jab hum school se aate the, to mama kaise hamara wait kar rahi hoti thi. Bas aao, bag niche rakho, aur garma garam khana aapke saamne. हम खाने की प्लेट उठाते थे और सीधा टीवी के सामने. फिर मम्मा आती थी, हमसे पूछती थी, तुम्हारा दिन कैसा गया, आज तुमने स्कूल में क्या क्या किया. तो हम बस एक ही जवाब देते थे, मम्मा अभी नहीं, अभी मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, हम बाद में बात करेंगे. और मम्मा बिना कुछ कहे चुपचाप छोटा सा मुंह लिए वहां से चली जाती थी. लेकिन हमारा वो बात वो फिर कभी नहीं आता था. और अगर कभी मम्मा गलती से भी बैंगन घिया कद्दू करेला ऐसा कुछ भी बना दे तो बस सारे घर को सर पर उठा लेते थे. और जब मम्मा हमें समझाती थी कि ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए कितना अच्छा है तो उल्टा हम उन्हीं से लड़ लेते थे. लेकिन अब जब हम इंस्टीट्यूट से वापस आते हैं तो हमें वो प्यार भरा हमारा घर नहीं मिलता. अब हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होता. अब ना तो हमारी मम्मा होती हैं और ना ही उनके हाथ का बना वो गर्मा गर्म खाना. हाँ, हमारे सामने हमारा टिफिन जरूर पड़ा होता है, लेकिन उसे प्यार से खिलाने वाला तो कोई नहीं होता. हम चुपचाप जाते हैं, टिफिन खोलते हैं और देखते क्या है, आज तो घीये की सब्जी है. वही घीया जो घर पे 100 नखरे करके भी नहीं खाते थे, अब चुपचाप खा लेते हैं. फिर खाना खाते हुए याद आती है मम्मा की, कि वो कैसे पूरा दिन किचन में हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी. और जब खाने की बारी आती थी तो हम उसमें भी 100 नुक्स निकाल देते थे. और अब देखो, अब कहने को तो पीजी में राजमा बने होंगे, लेकिन राजमा का एक एक दाना उसमें से चुन चुन कर निकालना पड़ता है. तब मन करता है बस एक बार मम्मा के हाथ का खाना खाना है. फिर बैठते हैं तो मन करता है मम्मा को बताने का कि आज हमने इंस्टीट्यूट में क्या क्या किया, आज क्या क्या हुआ. लेकिन मम्मा तो हमारे पास है ही नहीं, किसको बताएं, किसको सुनाएं. फिर रात को सोते समय याद आता है पापा का वो प्यार से आकर सिर पर हाथ फेरना. जब देर रात तक पढ़ रहे होते थे तो उनका हमारे लिए चाय बनाकर लाना. और जब मालूम होता था कि मामा से डांट पड़ने वाली है तो पापा को अपनी साइड कर लेते थे, फिर दोनों मिलके डांट खाते थे. जब पापा अपनी एनिवर्सरी भूल जाते थे तो उन्हें याद दिलाया करते थे. कभी तो मम्मी पापा को लड़ाते थे तो कभी उनके झगड़े सुलझाते थे. वी रियली मिस दोज डेज, है ना. जब सुबह इंस्टीट्यूट के लिए उठना होता है तो कभी हमें अलार्म नहीं सुनता, तो कभी खुद ही बंद करके सो जाते हैं. इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो जाते हैं और यहाँ आकर डांट पड़ती है. तब हम सोचते हैं कि पापा कैसे रोज सुबह हमें टाइम पर उठा दिया करते थे. जब स्कूल के लिए तैयार होते थे तब तो हर बात के लिए मम्मा पर चीखना, मम्मा मेरी बेल्ट नहीं मिल रही, मेरी सॉक्स कहाँ है. और अब जब वो सारा काम खुद करना पड़ता है तो नानी याद आती है. मम्मी पापा की डांट में छुपे उस प्यार को हमने अब जाकर समझा है. वही डांट जिससे पहले बहुत गुस्सा आता था,
अब तो हम उस डांट के लिए भी तरसते हैं। लेकिन आज आज खेड़ा सर ने इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सबको ये मौका दिया है कि हम अपने पेरेंट्स को बता सकें कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। उन्हें बताएं ना सिर्फ वो खुशी जो उनसे मिलकर हमें होती है, लेकिन वो अकेलापन जो हम तब महसूस करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। The real essence of this program lies in the fact for us to realize that we exist because of our parents. It is because of them that we can see this world. We owe our life to them. आज अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो शायद हम में से बहुत सारे, in fact हम सब, कभी इतनी गहराई में जाकर ये ना सोचते कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना किया है। इसलिए आज जब हमें ये मौका मिल रहा है, so please let's not lose it. Make full use of it. Let your parents know what you feel for them. And before I leave, Khera sir, I really want to say a big thank you to you. और ये सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर बैठा हर एक एक बच्चा आपसे कहना चाहता है। आज आपने जो हमें दिया है, I cannot put that into words. आज अगर सच में ये प्रोग्राम नहीं होता तो हमने कभी इतना रियलाइज नहीं किया होता। शायद कभी हम अपने पेरेंट्स से ना कह पाते। हम में से किसी ने भी इतनी गहराई में जाकर उनके बारे में, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, इतना तो हम सब जानते हैं कि जो उन्होंने किया है हम उन्हें कभी रिपे नहीं कर सकते। लेकिन हम तो उनके उस प्यार को भी भुलाए बैठे थे। आज इस प्रोग्राम से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और साथ ही में आज इस मातपिता संतान दिवस पर हम अपने टीचर्स को भी नहीं भूल सकते। घर से दूर, मम्मी पापा से दूर, उनके प्यार से, उनकी डांट से दूर, यहाँ अगर हमारे पास कोई था तो हमारे टीचर्स। इसलिए आज हम सबको जब ये मौका मिला है तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने टीचर्स को, खेड़ा सर को, अपने इंस्टीट्यूट को भी ऑनर करना चाहते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। आपको अब तक ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये प्रोग्राम मातपिता संतान दिवस ऑल इन ऑल एक स्टूडेंट्स प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार एंथुजियाज्म शो कर रहे हैं, पर कहीं पर इन परफॉर्मेंसेस के पीछे शब्द चाहे बच्चों के, रिएक्शंस चाहे बच्चों के, पर गाइडेंस टीचर्स की रही। और जहाँ तक स्टेज परफॉर्मेंस की बात आती है उसमें भी हमारे टीचर्स स्टूडेंट से कहीं कम नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एंथुसियाज्म दैट यू आर गोइंग टू सी। आई विल रिक्वेस्ट ऑन स्टेज मिस्टर भूपिंदर टू कम अप, गिव अस अ स्पोर्ट्स। भूपिंदर जी, जो सॉन्ग आपके सामने गाने वाले हैं उसके बोल आज से कई सालों पहले एक 17 साल की लड़की ने लिखे थे, और वो लड़की और कोई नहीं, डॉक्टर खेड़ा की एल्डर सिस्टर डॉक्टर शशि बाला जी हैं। 17 साल की उम्र में हम क्या क्या नहीं करते, पोएम्स कभी नहीं लिखते माँ बाप पर। उन्होंने ये प्यारी सी कविता लिखी जिसे भूपिंदर शब्दों में और धुन में डाल के आपके सामने सुनाएंगे। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं, कैसे माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं, उनकी सेवा में ही तन मन और धन लगाऊं मैं। Yeah.
से माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं, उनकी सेवा में ही तन मन और धन लगाऊं मैं। कैसे माता और पिता के उपकार सुनाऊं चढ़ाऊं मैं, श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं।
से माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं, कैसे माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं। उनकी सेवा में ही तन मन और धन लगाऊं मैं, कैसे माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं, कैसे माता और पिता के उपकार सुनाऊं मैं। As we move on, before our prize distribution ceremony, I would like to let you know in brief about our coaching center, its accomplishments. It's not very long back, in March 1992, that in the quiet environment of Sector 35, a small educational institute started functioning. I'm talking of the humble roots of our coaching center. Today, it is a giant among a number of institutes, not only in Chandigarh, but in northern India as well. Giant not by size, not at all by size, giant by way of its accomplishment. Today, as the center prepares to celebrate its 15th anniversary this year, it would be most appropriate to let you know that not only has the center helped realize the dreams of its students, it has also aimed at all-round development and a very personalized teacher-student interaction. From 1994 to 2006, the number of students selected in various national and state-level medical and engineering exams with ranks has steeply increased. To list out all of these would be difficult, yet, because the list is so long. Yet, in 2002, we had more than 135 students selected with good ranks in various engineering and medical colleges. In 2003, the number was more than 190. In 2004, 304 students were selected in various colleges across India. In 2004 itself, Abhinav Sood secured the first rank in PU-CET. Shivani Sharma, in that very same year, made us proud by getting the 22nd rank in the All India CBSE prelims exam. She also stood second in the HPMT. In 2005, over 300 students got selected. Gaurav Kaushal acquired the first rank in HPPMT in 2005. 2006 was a wonderful year, as were the earlier ones. Ankita Pal and Akhil Parashar made it to AIMS. Hitesh Gaur stood first in Punjab PMT. And there were many, many more top rankers. Saal bhar to bachche institute mein padhte hi hain. Wo to har institute mein padhte hain. कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करते हैं, वो सभी जगह होती है, पर उन्हें हल्का करने के लिए जो प्रयास कोचिंग सेंटर के टीचर्स और डॉक्टर खेड़ा करते हैं, उनमें से ये प्रोग्राम एक कड़ी है। हर साल हम पीरियोडिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें एनलाइटन करने के लिए और उन्हें हल्का करने के लिए एक्सकर्शंस, एंटरटेनमेंट शोज और यहाँ तक कि मोटिवेशनल मूवीज तक के लिए ले जाते हैं। कहीं नई नस्ल देशभक्ति की भावना न भूल जाए, इसलिए हर साल 15 अगस्त पर हमारा एनुअल फंक्शन होता है वंदे मातरम। इस साल 24 जुलाई को हम बच्चों को घुमाते हुए खिलाते हुए कपूरथला की साइंस सिटी के एक्सकर्शन पर ले गए। कलाग्राम में बच्चों ने 29 नवंबर 2006 को
हास्य रस, मैजिक शो और मल्टी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। 30 सितंबर को बच्चे मुन्ना भाई और सर्किट के साथ खूब मस्ती करके आए फन रिपब्लिक में, जब वो मुन्ना भाई लगे रहो देखने गए। इससे पहले भी हम बच्चों को कई मोटिवेशनल मूवीज के लिए ले गए थे, जिसमें से लगान, इकबाल, पेरेंट और चिल्ड्रंस की रिलेशनशिप पर बेस्ड बागवान और मंगल पांडे। 5 दिसंबर को देव धर्म संस्थापक, जिन्हें हम सम्मान भाव से भगवान देवात्मा बुलाते हैं, उनका 156वां जन्मदिवस चंडीगढ़ में मनाया गया। मन मस्तिष्क को एनलाइटन करने के लिए वहां पर डॉक्टर खेड़ा का बहुत ही संजीदा लेक्चर था ऑन साइंस एंड रिलीजन, जिससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। इस प्रोग्राम के इवेंट्स की भी तैयारी बच्चों ने खुद बड़ी मेहनत से करी। ये बात आपको बताना जरूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम की तैयारी में कई घंटे लगते हैं। बच्चे दिसंबर के महीने से ही बगैर क्लासेस मिस किए शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग में लगन से तैयारी करते रहे। कोई पोएट बन गया तो कोई प्ले का स्क्रिप्ट राइटर, किसी ने झांक कर अपने अंदर देखा तो वो डायलॉग डिलीवरी में और डायलॉग राइटिंग में एक्सपर्ट था। हर बच्चे का छुपा हुआ टैलेंट सामने आया और यही हमारा मकसद भी था, इनकी योग्यताएं डेवलप हों और अपने विचारों को अपने दिल की कैद से निकाल कर सबके सामने रख सकें। आज जब कोचिंग सेंटर 15 साल का हो रहा है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि हम इस वक्त मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाएं और उनके जरिए उनके पेरेंट्स को ऑनर कराएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुरशर्धा, राजेश गुलाटी, अल्पना, जसमीत, हितेश, हर्ष और कशिश अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आएं। हम इस वक्त सारे मेरिटोरियस के साथ कुछ अनफॉर्सीन इंसिडेंट्स भी हो गए। अंकिता पाल, जो पिछले साल एम्स में सिलेक्ट हुई, उनकी मदर का कल एक्सीडेंट हो गया, वरना वो भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद होती। सबको स्टेज पर लाना, इकट्ठा करना भी बच्चों के बहुत बिजी शेड्यूल में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वक्त कुछ गिने चुने बच्चे ही स्टेज पर आपके सामने आ पाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। गुरशर्धा, राजेश गुलाटी, अल्पना, जसमीत, हितेश, हर्ष और कशिश। नज़ारे को देख के आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, उम्मीद करती हूँ अगले साल यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी और आप सब होंगे स्टेज पर अपने पेरेंट्स के साथ। नाउ आई वुड लाइक डॉक्टर खेड़ा टू ऑनर आवर म्यूजिशियन टीम ऑल्सो, विच हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब
kept us engrossed throughout. Rathore sir, please apni team ke saath stage pe aaye. Rathore sir. Who participated in the play Aurangzeb Zinda Hai. Khushwinder, Aurangzeb ke role mein aapne inhe hi dekha tha. Alisha aur Komal. Now the students who participated in the play Ma. विशाखा जिन्होंने काणी माँ का रोल अदा किया था ज्योति सारे आ जाएं ज्योति जिन्होंने खूसट बहुरानी का रोल अदा किया था सारे आ जाएं बच्चे इकट्ठे आ जाएं अब आप मुझे लगता है रमेश डॉक्टर साहब को बड़ी तेज भूख लगी थी वो बीच में गोल हो गए हैं तो उनका प्राइज हम उन्हें बाद में ही देंगे सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने वाले सारे बच्चे स्टेज पर आए अब इनके नाम के साथ डॉक्टर वर्ड जरूर जुड़े स्पीच में पार्टिसिपेट करने वाले सारे छात्र और छात्राएं भी स्टेज पर आए मनिंदर साक्षी प्लीज कम ऑन स्टेज पंकज And not to miss out, my fellow compeer and host of the evening, Rohit Arora of Plus One, पढ़ने में तो होनहार हैं ही और आज आपके सामने उन्होंने अपना एक और रहस्य खोल दिया कि वो स्टेज पर बगैर घबराए बड़ी क्लैरिटी से होस्ट भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को
जो टीचर्स आखिरी भजन श्रद्धा भाजन मात पिताजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृपया स्टेज पर आएं। अर्शदीप मैम, सुरेखा मैम, दीपा मैम, जगदेव सर, भूपिंदर सर, डॉक्टर खेड़ा तो ऑलरेडी हैं, उषा मैम, आई रिक्वेस्ट आवर टीचर टीम टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। और लीना मैम अपने आप को भूल गई। अनुमान नहीं लगा सकते कि एक एक आइटम को तैयार करने के लिए इन बच्चों ने और इनको तैयार कराने वाले टीचर्स ने और म्यूजिशियंस ने कितना अपना समय दिया है, कितना परिश्रम किया है। और ये भी हमेशा ध्यान रखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई भी हर्ज ना हो और टीचर्स का पढ़ाने का भी हर्ज ना हो। उसके बावजूद सब ने टाइम निकाला है और जैसे बच्चों ने भी बताया आपको कि 3 घंटे विदाउट कंसंट्रेशन कहाँ पढ़ती थी मैं, कहाँ 5 घंटे विद गुड कंसंट्रेशन में पढ़ रही हूँ। तो इन सब बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन्होंने अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। और इनके एक मेंटोर हमारे मेरे बहुत अजीज अश्वनी ओरी सर हैं। ना तो मैं शब्दों में ना कोई गिफ्ट देके इनकी मेहनत, इनकी सिंसियरिटी, इनकी डिवोशन और इनके परिश्रम की तारीफ कर सकता हूँ। मेरे पास शब्द भी नहीं है। इन्होंने दोनों प्लेस को रिफाइन भी किया, डायरेक्ट भी किया और बच्चों के साथ इतना वर्क किया कि बच्चे इस कंडीशन में आ गए कि वो अपने अपने एहसास, अपने अपने मन की बातें, अपनी अपनी कमियों को इतनी बड़ी ऑडियंस और खास तौर पर अपने साथी विद्यार्थियों के सामने कहने के योग्य हुए, इसमें भी अश्विनी ओरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद का पात्र भी समझता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं ऐसा जो मैं उनको दे के उनकी उनका प्रॉपर वे से सम्मान कर सकूँ। श्री अश्विनी जी 1 मिनट के लिए आएंगे। मैं जब से पढ़ने आया मुझे यहाँ बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट मिला जो एक अच्छा, जिससे मेरा फोकस खराब होने लगा और समय भी काफ़ी खराब हो जाता था। ऐसे में डॉक्टर खेड़ा सर ने मुझे बताया कि सर्कल क्रिस्टल और स्टूल होता है जिसमें से सबसे अधिक महत्व स्टूल का होता है, क्योंकि अगर स्टूल हैं जिससे कि उसका फोकस खराब हो जाता है और वे रिंग मास्टर प्यारी संतान हमारी।
Thank you.
बच्चों, मेरे को 3-4 दिन पहले उमा का फोन गया था कि पापा ऐसा ऐसा, इनफैक्ट पहले ये प्रोग्राम कुछ देर पहले थी, बाद में कहा कि ये चेंज हो गया है, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, बट मेरे आज कुछ मेरे काम था, मीटिंग थी शिमला में, तो मैं मंडी से ड्राइव करके शिमला पहुंचा, फिर 11 बजे वहां से चला कि काफ़ी ड्राइव करके यहाँ पहुँचा कि कैसा प्रोग्राम हो क्या होगा, पर लेकिन यहाँ पर आकर मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये चीज़ें हमें अपने आप में अंदर अपने ब्लड में ले जानी चाहिए, जो भी यहाँ बातें की, और मैं जिस प्रोजेक्ट में आजकल काम कर रहा हूँ, फॉरेस्ट में हूँ, तो वो ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट खराब हो गया है उसे हमें ठीक करना है, उस बैक उस सिचुएशन में ले जाने के लिए। तो मैं उसके साथ जोड़ के देख रहा था कि अगर हम अपने पेरेंट्स की जैसे हम पहले उनका ध्यान रखते थे, ये बात अगर हमारे अंदर आ जाए, मेरे फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी जब मैं 9-10 साल का था, पर मेरी माँ ने हमें इतनी अच्छी तरह से पाला कि हम पूरे ब्रदर्स सिस्टर्स बहुत अच्छी तरह से सेटल हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, कि बच्चों में साथ साथ में मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन तो साथ साथ चलती है, पर ये बात इनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता था कि इनको मैं स्पेशली थैंक्स करूँ। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शायद बच्चे भी ये लाइक करेंगे, कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इसकी एक सीडी एज अ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन इनके पास रहे, कि कभी जिंदगी में अगर इनको जरूरत पड़े तो इसको देख के ये अपने आप को अप्रिशिएट कर सके। चाहे उन्होंने पार्टिसिपेट किया या नहीं, सो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, वेदर इट इज पेड और बाय द इंस्टीट्यूशन सेल्फ, बट थैंक यू वेरी मच सोराज, थैंक यू वेरी मच। आपकी सजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर बच्चे को जो आया है यहाँ पर, जो नहीं आया उनके बारे में मैं कुछ नहीं भी कहना चाहता, मेरा मन बड़ा दुखी है, उदास है उनके लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को ज़िंदगी में खो दिया, और जो भी बच्चे आए हैं उन सबको हम एक एक सीडी इस प्रोग्राम की देंगे। मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि मैं उन सबको धन्यवाद दूँ जिनकी मेहरबानी से आज का प्रोग्राम जैसा आपने देखा, जैसा आपने महसूस किया, उस लेवल का तैयार हुआ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जिन्हें मैम ने बताया था सम्मान भाव से भगवान देवात्मा कहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा दिल के गहरे भावों से, कि अगर वो मुझे न मिले होते तो मेरा तो ध्यान भी कभी इस तरफ नहीं जाना, मैं तो शायद डॉक्टर रमेश से भी घटिया बेटा प्रमाणित होता। माँ के रूप की एक झलक वो तो दिन रात देखने को मिलती है, आपको भी मिलती रही होगी, कभी ध्यान ना गया होगा तो अलग बात है। परसों रात को मेरे मदर टॉयलेट में काफ़ी देर बैठे थे, मुझे पता लगा कि वो काफ़ी देर से वहाँ पर हैं, मैं थोड़ा घबराया, अभी कोई परेशानी तो नहीं, उनको 90 साल की उम्र है उनकी, तो मैं उठ के गया, मैंने पूछा तो कोई परेशानी नहीं थी, तो मैं फिर आके सो गया। उनको दिखता कम है, वो वहां से आने के बाद अंधेरे में, क्योंकि लाइट जला दें तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अंधेरे में मुझे ढूंढती फिरती रही, और अंधेरे में क्या रोशनी में भी कम नजर आता है, तो अंधेरे में क्या नजर आना था, और कमरे के कॉर्नर में खड़ी थी। जब मैंने फिर देखा उनको, फिर मैं उठा, किस लिए भाई तू मेरा इतना ध्यान क्यों करता, ये कहने के लिए, ये तो माँ का रूप है, और मेरा ये कि मैं आके उनसे बात करके, भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आके सो गया, ये बच्चे का रूप। तो ऐसे रूप को दिखाने वाले गुरु को मैं जितना धन्यवाद दूं कम है, और उन्हीं की मेहरबानी से मेरा ध्यान इस तरफ जाता है कि मेरे प्यारे बच्चे सेंटर के बच्चे वो भी अपना ध्यान इस तरफ लेकर जाए। मैं एक बात जरूर अपने मन की, मेरी नेचर ये है कि मन की बात मैं मन में नहीं रखता, बहुत सीरियस कई प्रोग्राम में बातें हुई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि पिता ने दूध पिलाया, इस बात पर कई बच्चे हंसने लगे। बहुत बदकिस्मती है हमारी कि
कि हम किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय उसका मजाक बना लेते हैं। ये जो वाइस चांसलर साहब कह के गए थे वो सच्चाई है कि हम इतना दूर जा रहे हैं अपनी वैल्यू से, अपने इंडियन कल्चर से, कि हम हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कब आपे से बाहर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स तो वो चीज हैं जिनके बारे में मेरे से ज्यादा आपको आपके साथी बच्चों ने बताया। तो मैं ऐसी आशा करूंगा कि आप आगे से ऐसी बात को गंभीरता से लें, ऐसी बातों को लाइटली ना लें। ऐसी मेरी प्रार्थना है उन बच्चों से जिन्होंने उसको उस वक्त लाइटली लिया था। उसके बाद मैं वाइस चांसलर महोदय का धन्यवाद करूंगा। वो कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते। कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बहुत बुरा नाम मिल चुका है, आपको भी पता है उसका कारण क्या है। झूठी फोटोज खरीद खरीद के छापना, हर बच्चा फर्स्ट जो आएगा वो उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से आएगा, और बच्चों की झूठी स्टेटमेंट्स ले लेना। किसी ने कभी, शायद ही कोई पेरेंट आज तक ऐसा होगा जिसने इतनी हिम्मत की हो कि उस इंस्टीट्यूट में जाकर कहे कि मुझे 2 साल का या 1 साल का बच्चे का अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे उसके टेस्ट का रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे उसके फीस का रिकॉर्ड दिखाओ। क्योंकि हमारे देश में हम अंधाधुंध चलते हैं, तो उस अंधाधुंध चलने के सिलसिले में हर आदमी इतना गिर जाता है, हर आदमी तो नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग इतने गिर जाते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन को भी बदनाम करते हैं, बच्चों के कैरियर के साथ भी खेलते हैं। तो इतने बदनामी होने के कारण कोई भी वाइस चांसलर या बड़ा डिग्निटरी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके राजी नहीं है। और उनको यहाँ का पता था, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी, बहुत व्यस्त होने के बावजूद, आज उनकी सिंडिकेट की मीटिंग थी यूनिवर्सिटी की, अभी वहां यहां से गए हैं तो सिंडिकेट के मिनट्स वहां आ गए, उन्होंने उसको सारा काम करना है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय निकाला और हमें बहुत अच्छे शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया। श्रीमान बलदेव सिंह जी तो कोई कसर छोड़ते ही नहीं, कोई जब वो बोलते हैं अपने भावों से तो जो आपने महसूस किया वो मैंने भी महसूस किया। सचमुच में हम अपने माता पिता के प्रति अंधे हैं, उनके उपकारों को हम नहीं देख पाते, उनके गुणों को नहीं देख पाते, उनके साथ अपने बुरी सलूकों को नहीं देख पाते, और इसलिए ही हमारी फिर अवस्था ऐसी होती है कि हम कहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। आजकल ये शब्द बहुत कॉमन, मैं तो इसको गाली समझता हूँ, पर आजकल ये शब्द बच्चे का बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनकर ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को। तो वो हमारे जो डिप्रेशन हैं वो इसी कारण से हैं कि हमने अच्छे मूल्यों को सराहा नहीं, हमने अपने माता पिता के, औरों के उपकारों को कभी महसूस किया नहीं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, स्वार्थ में रत हो जाते हैं, ईगो इतनी बढ़ जाती है कि मैं ठीक, मेरे माँ बाप गलत, मैं ठीक, मेरे टीचर गलत, मैं ठीक और मेरा कोई और उपकारी गलत। और उसका परिणाम ये होता है कि हम स्वयं को इस हालत में बचा लेते हैं कि हमारे पास दुख इकट्ठे हो जाते हैं, हम दुखों का घर बन जाते हैं। जो भी बच्चा इस बात को आज समझ कर जाएगा यहां से कि अगर आपने सुखी रहना है तो कोई दुनिया का रास्ता ही नहीं कि माँ बाप को दुखी करके आप जिंदगी में सुखी रह ही नहीं सकते। कोई ट्राई करके दिखा दे मुझे, मैं उसको मान जाऊंगा और अपनी बात को वापस ले लूंगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये सारी जिंदगी का, चाहे वो कैनेडा का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे इंडिया का हो, कि जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप दिखाई नहीं देते उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये मूल संबंध होने के कारण हम इस पर इतना एम्फसाइज करते हैं और इस फंक्शन को एक बहुत महत्व देते हैं। और आपने जैसा महसूस किया, मैं उसी तरह से अपने साथी म्यूजिशियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने आके बहुत परिश्रम के साथ बच्चों को तैयार कराया, विशेष तौर से राठौर साहब और हमारे तबले वाले महमूद साहब, इन्होंने कभी भी नागा नहीं किया, कभी लेट नहीं आए बच्चों के, जिस टाइम बच्चों बच्चे पढ़ाई वाले हैं उनका टाइम वेस्ट होता था, तो हमेशा टाइम पर आके इन बच्चों को तैयारी करवाते रहे, टीचर्स को तैयारी करवाते रहे। और जो ये ट्यून बनाई थी भूपिंदर सर की, ये राठौर साहब ने बहुत मेहनत करके खुद बनाई थी, तैयार किया था, नया गीत था ये पब्लिक के लिए, इससे पहले गीत कभी नहीं गाया।
ये मेरे बड़े बहन जी हैं, उन्होंने शायद 17-18 साल की उम्र में मनाया था उस वक्त, तो वो गीत इतने सालों के बाद पहले पिटारी से निकला और भूपेंद्र जी की जुबान पर आया। इसके बाद जैसा मैंने भी जिक्र किया था, अश्विनी सर मेरे पास शब्द नहीं है दोबारा रिपीट करने के लिए भी कि मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं या किन शब्दों में उनकी अप्रिसिएशन करूं कि कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम और कितने डिवोशन के साथ उन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। मेरे पास जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो आश्वस्त कर रहे थे, एक प्रिंसिपल बैठी थी कॉलेज की, वो कह रही थी कि ये कॉलेज के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, ये PMT के बच्चे, ये कैसे बुढ़िया का रोल इतना अच्छा कर लेते हैं, ये कैसे फलाना रोल इतना अच्छा कर लेते हैं, मतलब उनको हैरानी हो रही थी क्योंकि उनके कॉलेज में फंक्शन होते हैं, तो वो कंपैरिजन कर रही थी कि इन बच्चों की क्या एक्सप्रेशन थे, क्या इनकी फीलिंग्स थी, और वो दिल से कर रहे थे। आपने देख लिया बाद में जब उन्होंने अपनी बातें बताई, तो वो दिल से करना जो है उसमें अश्विनी जी का बहुत जबरदस्त रोल है। डायरेक्ट बहुत लोग करते हैं प्ले को, बहुत प्लेज होते हैं, यहाँ भी मैंने टैगोर थिएटर में कम से कम पिछले 4-5 साल में 10-15-20 प्ले देखे होंगे, नसीरुद्दीन शाह का भी प्ले देखा, पर जिस फीलिंग्स के साथ अश्विनी सर ने अपने बच्चों को तैयार किया था और जो फीलिंग्स उन बच्चों के अंदर उन्होंने इन्फ्यूज की वो तो आपके सामने थी और उसके वो शायद आप में से कोई भी भूल ना पाए। गाने वाले बच्चों की मैं तारीफ ना करूं तो मैं एक और विचार से अंधा हो जाऊंगा कि मुझे नजर ही नहीं आया कि उन्होंने कितनी परिश्रम, कितनी मेहनत, कितना टाइम दिया अपना, कितनी रेगुलरिटी से आए बच्चे और कितना उन्होंने हम टीचर्स की आवाज़ नहीं मिल रही थी, आपने नोट किया होगा, बच्चों की आवाज़ मिल रही थी। कारण ये कि टीचर्स के पास टाइम ही नहीं था, क्लासेस छोड़ के हम इकट्ठे हो नहीं पाते थे और क्लासेस का टाइम ऐसे थे कभी कोई टीचर भागता था कभी कोई भागता था, तो टीचर्स की वो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई और ना हमारी वो योग्यताएं हैं जो हमारे बच्चों की है, सच्ची बात रही है। तो इन बच्चों को भी अप्रिशिएट करना मेरे दिल से निकल रही है ये अप्रिसिएशन और मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मैं अपनी ड्यूटी में बिल्कुल फेल हो जाऊंगा अगर मैं आप सब मेहमानों का और मेरे प्यारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद ना करूं। आपने जितने, देखिए 8:30 होने वाले हैं, 4.5 घंटे साधारण कोई बच्चा बैठता नहीं कहीं पर, यहाँ पर इन बच्चों ने कितने डिसिप्लिन के साथ कितने अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित होने दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। टीचर्स भी आपके सारे आपके इर्द गिर्द रहे आपकी सहायता करने के लिए और बहुत से उनमें से खड़े रहे सारा टाइम, उनकी अप्रिसिएशन के लिए भी क्या शब्द होंगे वो आप जानते हैं। हर साल की तरह लीना मैम पिछले बार तो अश्विनी सर साथ थे लीना मैम के, इस बार ही अश्विनी सर बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो मैंने सोचा इनको कम तकलीफ दी जाए और मिस्टर रोहित अरोड़ा को हमने प्रेरित किया और बहुत खुशी खुशी सहर्ष इनके साथ हुए और मिलके सारा प्रोग्राम देखा। रोहित ने पहले सारा प्रोग्राम देखा रिहर्सल में, तब जाके इनके साथ मिलके उसने फिर अपना लिखा मैंने क्या बोलना है और क्या करना है, यानी हर बच्चे की ओरिजिनलिटी थी, बोलने वाले की भी, प्रोग्राम देने वाले की भी, और हर बच्चे की इस ओरिजिनलिटी, ये आज के युग में बड़ी रेयर चीज़ है और मैं इसको बहुत गहराई से महसूस भी कर रहा हूँ और उसकी दिल से अप्रिसिएशन भी करना चाहता हूँ। आपका सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गर्ल्स मेहरबानी करके पहले बसेस में जाएंगी अपने अपने टीचर्स के साथ, उसके बाद फिर बॉयज जाएंगे, तो गर्ल्स यू मे प्लीज स्टार्ट लीविंग।